हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू प्रोजेक्ट टॉपिक। इस प्रोजेक्ट टॉपिक को आप अपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए सबमिट कर सकते हो। आज की वीडियो में आप देखेंगे ब्लूटूथ ऑपरेटेड पासवर्ड सर्किट ब्रेकर। सो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि बल्ब एंड होल्डर, कनेक्टिंग वायर्स, ट्रांसफार्मर, पावर सप्लाई, रिले मॉड्यूल, आर्डिनो बोर्ड एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, टीम लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम्स की ओर से आपके लिए लेके आओ एक नया सा प्रोजेक्ट टॉपिक्स, जिसका नाम है ब्लूटूथ ऑपरेटेड पासवर्ड सर्किट ब्रेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो ब्लूटूथ है, ये ब्लूटूथ से हम हमारे मोबाइल से, एंड्रॉइड मोबाइल से इस प्रोसेस को पासवर्ड दे सकते हैं, और उसमें पासवर्ड लेने के बाद में ऑटोमेटिकली ये जो रिले यहाँ पे ब्रेकर का काम करेगा, और आपके घर में का जो उपकरण है आप उससे ऑन ऑफ करवा सकते हो, मशीन से आप इससे ऑन ऑफ करवा सकते हो, मशीन को जाने वाले लाइन्स आपको ऑन ऑफ करते आएगी। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे इसको ब्लूटूथ ऑपरेटेड पासवर्ड ब्रेकर इसका नाम दिया हुआ है। तो फ्रेंड समझा देते हैं इसे किस प्रकार से कंपोनेंट लगते हैं। अगर आप वो कंपोनेंट अरेंज करते हो तो आप भी प्रोजेक्ट आपके घर पे बना सकते हो। तो चलो देखते हैं इसके लिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आपको लगेगा ऐसा एक मेन स्पॉट जो कि इसे सप्लाई देने के लिए कारगर साबित होता है। बाद में हमें लगेगा एक ऐसा इस प्रकार का 0-12 का ट्रांसफार्मर, पावर सप्लाई जो कि 12 वोल्ट डीसी का है। देन हमें लगेगा रिले कार्ड, आर्डिनो यूनो बोर्ड, ST05 जैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल, बैटन होल्डर्स एंड लैम्प्स, और साथ में लगेगा आपको ऐसा एक प्लाई का टुकड़ा जिसके ऊपर आप ये सारे कंपोनेंट्स माउंट कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा समझा देते हैं इसका टेक्निकल डिटेल्स। तो यहाँ पे ये जो 230 वोल्ट एसी का जो ट्रांसफार्मर है वो उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस्तेमाल में लिया हुआ है, क्योंकि हर किसी के घर में तो 230 वोल्ट एसी ही होते हैं, क्योंकि सारे उपकरण 230 पे चलते हैं। लेकिन ये जो आर्डिनो यूनो है, ये 12 वोल्ट डीसी एक्वायर करके उससे 5 वोल्ट डीसी बना के काम में आते हैं। सो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे एक 0-12 का ट्रांसफार्मर लेना पड़ा। सो एक 0-12 के ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को अगर आप 230 वोल्ट एसी देते हो तो इसके सेकेंडरी में आपको 12 वोल्ट एसी आ जाएगा। वो 12 वोल्ट एसी का डीसी बनाने के लिए यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 1N40001 जैसे डायोड्स है। देन वो सप्लाई जाएगा आगे ये हमारे एक फिल्टर कैपेसिटर को। फिल्टर कैपेसिटर इसमें मौजूद एसी कंपोनेंट्स को ग्राउंड कर देगा और हमारे 7812 नाम के आईसी को वो सप्लाई देगा। 7812 ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ये 11.5 से लेकर 18 वोल्ट लेता है और कॉन्स्टेंट आउटपुट आपको 12 वोल्ट देता है। इसका आउटपुट हम पीछे फिल्टर करने वाले हैं। फिल्टर कैपेसिटर से गुजरते हुए सप्लाई जाएगा डायरेक्ट आपके वाले आर्डिनो यूनो बोर्ड को। साथ में यहाँ पे इंडिकेशन के लिए हमने एलईडी भी डाल दिए है। सो आर्डिनो यूनो बोर्ड को अगर हमने यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया तो आर्डिनो यूनो बोर्ड काम करने के लिए एबल टू हो जाएगा, क्योंकि इसे 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई देने से हमने काम करने के लिए एबल टू होता है। लेकिन इसमें लगा हुआ एटमे का 328 नाम का एसी 5 वोल्ट पे ही चलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अलग टाइप से प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसको आपको 5 वोल्ट देना पड़ेगा, लेकिन इस बोर्ड में 5 वोल्ट की अरेंजमेंट भी की होती है। यहाँ पे लगा हुआ एक 7805 जैसा वोल्टेज रेगुलेटर ये 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदल देगा, और वो उसका जो वीसीसी है इसके 7 नंबर के पिन को और 1 नंबर को ग्राउंड जाएगा, तब जाके बोर्ड काम करने के लिए एबल टू रह जाएगा। साथ में इस बोर्ड में बीसीडी पोर्ट दिए होते हैं। तो यहाँ पे बी पोर्ट ये पूरी तरह से आपका एक्चुअली डिजिटल होता है, सी एनालॉग प्लस डिजिटल होता है, एंड डी इज ऑल्सो योर डिजिटल पोर्ट्स। तो यहाँ पे मैंने सारे जो पोर्ट्स थे मेरे वो डी पे लगा दिया है, डी पे मैंने मेरे वाले ये लगा दिए है हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल ST5। तो फ्रेंड्स मैंने ये सारे बी पे मेरे वाले ST05 जैसे जो सॉरी वीडियो को ना फ्रेंड्स इस प्रकार से इसमें बी सी डी पोर्ट्स होते हैं। सो बी पोर्ट डिजिटल होता है, सी पोर्ट एनालॉग होता है, और डी पोर्ट ये भी हमारा डिजिटल होता है। सो मैंने डी पोर्ट का इस्तेमाल करके उस पर एक रिले डाल दिया हुआ है। सो ये रिले को सप्लाई मिलेगा यहाँ से बी इन, यानी जब भी हम यहाँ पे ब्लूटूथ का हमारा पासवर्ड मैच करते हैं, जैसे कि हमारा पासवर्ड 123 है, वो पासवर्ड मैच हो गया, सो ऑटोमेटिकली ये रिले ऑपरेट होकर आपके लैंप्स को ऑफ ऑफ या ऑन करवा सकता है। सो ये जो है यहाँ पे लगे हुए वीसीसी और ग्राउंड, हम यहाँ से 12 वोल्ट से डायरेक्ट दे देंगे तो वीसीसी ग्राउंड रिले कार्ड को मिल जाएगा, लेकिन इन जो है इनपुट जो है वो रिले से ही मिले, इनपुट जो है वो हमारे आर्डिनो बोर्ड से ही मिलेगा। सो यहाँ पे ये जो ST05 जो मॉड्यूल से आप RX15 को भी इसको जोड़ सकते हो, या RX3S के बाजू में भी जोड़ के इसे इस्तेमाल में ले सकते हो। तो हमने इसको RX15 को भी जोड़ दिया है। अभी चलो देखते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन।
डेमोन्स्ट्रेशन से पहले और एक बताना चाहूंगा कि ये जो रिले कार्ड होते हैं इनके कॉमन को आपको देना होगा लाइव और इसके यूनो से लेके जाना होगा लैम्प को और लैम्प से बचे हुए न्यूट्रल्स आपको डायरेक्ट इस सप्लाई के न्यूट्रल्स को देना होगा तभी ये प्रोजेक्ट ऑपरेट हो सकता है अदरवाइज नो। चलो अभी प्रोजेक्ट का लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे एक एंड्रॉइड मोबाइल की जरूरत होगी और उसमें कुछ ऐप्स जानने होंगे, तो चलो मैं आपको मेरे एंड्रॉइड मोबाइल के ऊपर जाते दिखाता हूँ इसका डेमोन्स्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे इसे देना होगा सप्लाई, तो मैं करता हूँ सप्लाई ऑन। अब मैंने इसका सप्लाई ऑन करवा दिया है, अभी ये AC05 का मॉडल से यहाँ पे आपको ब्लिंक करते हुए नजर आएगा, तो चलो चलते हैं इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन की ओर। तो चलो फ्रेंड्स इसको भी हमने सप्लाई दे दिया है, साथ में इसका वाला ये जो ब्लूटूथ का जो मैंने इसके साथ में कम्युनिकेशन किया हुआ है वो मेरे हैंड में है, तो चलो अभी इसे हम करते ऑपरेट। जैसे मैं इसे टर्न ऑन के लिए मैंने इसके पीछे एक कोड छुपाया हुआ है, वो कोड मुझे ही पता है, मैंने इसमें वो कोड डाल दिया है 123 का। तो मैं अभी इसे टर्न ऑन करता हूँ तो आपका लैंप्स लग जाएगा, टर्न ऑफ करता हूँ तो लैंप्स ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे कितनी भी बार इसको पासवर्ड देके हम इसे ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट इस प्रकार से सक्सेस हो चुका है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।